गाइस, पिछले वीडियो के अंदर हमने एक न्यू आईडी बनाई थी और इस न्यू आईडी के अंदर हमने 50,000 कॉइन्स भी कर दिए थे और साथ में बहुत सारे स्ट्राइकर्स और पक्स को भी अनलॉक किया था। पिछली वीडियो जाकर देखना, आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। और आगे प्रोग्रेस करने के लिए हमें जो है बड़े टेबल्स खेलने पड़ेंगे, अच्छी अच्छी शॉट्स खेलनी पड़ेंगी और अच्छी शॉट्स खेलने के लिए हमें ज़रूरत है एक अच्छे स्ट्राइकर की। तो यहाँ पर फिलहाल उस टाइप का स्ट्राइकर हमारे पास अभी तक अनलॉक नहीं हुआ। तो यहाँ पर ऑफर्स में गाइज बहुत सारे लेजेंडरी स्ट्राइकर्स के ऑफर्स चल रहे हैं। इनमें से एक लेजेंडरी स्ट्राइकर का नाम है चैंपियन, जो कि बहुत ही सस्ते में भी मिल रहा है ऑफर्स में और बहुत ही अच्छा स्ट्राइकर है। क्योंकि मैं इस आईडी के अंदर जितने भी मैचेस प्ले करता हूँ वो फेयर प्ले करता हूँ, और आप लोग जानते होंगे जो लोग थर्ड पार्टी से प्ले नहीं करते, भाई फेयर प्ले करने के लिए हमें एक अच्छे स्ट्राइकर की ज़रूरत पड़ती है और चैंपियन स्ट्राइकर वही अच्छा स्ट्राइकर है। तो फिलहाल मेरे पास कोई अच्छी पावर भी अनलॉक नहीं है। हाँ, मैंने ये चैंपियन स्ट्राइकर परचेस किया तो न्यू आईडी है तो मेरे पास दो दो पावर्स अनलॉक हो गई। और गाइज, मेरे पास अगर कोई अच्छी पावर भी अनलॉक हो जाती है तो ये चैंपियन स्ट्राइकर और भी बढ़िया लगेगा। और मैं आप लोगों को बता दूं, इस आईडी के अंदर मैं जितनी भी प्रोग्रेस करता हूं वो गाइज आपको इसी सीरीज़ के अंदर देखने को मिलेगी। और इस सीरीज़ के हर पार्ट के नीचे, हर वीडियो के नीचे आपने जो है ना कॉमेंट ज़रूर करना है। और गाइज, इसी वीडियो के अंदर आगे चलकर मैं कराची एरिना के 100K वाले टेबल पर भी गेम प्ले करने वाला हूँ। और मेरा जो मैच था वो 110 लेवल वाले प्लेयर के साथ लगा था, जो कि ऑलरेडी बहुत ही प्रो प्लेयर था। तो आगे चलकर आप लोग देखेंगे कि भाई मैं उससे मैच हारता हूँ या जीतता हूँ। बाकी यहाँ पर ट्रन जो है वो हमें मिल चुकी है। तो यहाँ पर से गाइज, चैंपियन स्ट्राइकर से पहली बार इस आईडी के अंदर मैं खेल रहा हूँ। वैसे पूरे चैंपियन स्ट्राइकर से मैं पहली बार खेल रहा हूँ, क्योंकि पहले मैंने कभी भी चैंपियन स्ट्राइकर किसी भी आईडी में परचेज नहीं किया था। तो यहाँ पर से गाइज मैं कोशिश करूँगा बोर्ड को पूरा फिनिश करने की। और यहाँ पर से टॉप लेफ्ट के अंदर मैंने शॉट खेली बट मुझे कोई खास फ़ायदा नहीं हुआ। तो उसके बाद गाइज यहाँ पर बॉटम राइट के अंदर इस वाले डिस्को एज अ बॉम्ब यूज़ करते हुए मैं अपने ऊपर वाले पक्स को ओपन करने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पर से पक्स ओपन हो चुके हैं और यहाँ पर गाइज मैं खेलूँगा इनडायरेक्ट शॉट। तो उसके बाद गाइज मैं खेलने वाला हूँ एक और इनडायरेक्ट शॉट, जो कि आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। और गाइज, अगर ये वाली शॉट, ये वाली डिस्क में रिपोर्ट हो जाती है तो भाई इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना है आप लोगों ने। तो ये रही गाइज, तो अगर शॉट पसंद आई है तो भाई वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और यहाँ पर हमारी लास्ट डिस्क रह गई और यहाँ पर एक और कनेक्शन शॉट के साथ गाइज मैं ये वाला मैच फिनिश करता हूँ। और मुझे उम्मीद है ये मैच की एंडिंग आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। और गाइज, यहाँ पर से हमने पहला जो है वो दुबई स्कैबर के अंदर मैच विन कर लिया है। और यहाँ पर आपको गाइज जितने भी बॉक्सेस मिलते जाएंगे वो आपने ओपन करते जाना है। न्यू आईडी के अंदर ये बॉक्सेस बहुत ही काम के होते हैं। और उसके बाद गाइज यहाँ पर मैंने एक और दुबई स्कैबर का मैच लगाया और यहाँ पर से गाइज तीन डिस्क रह गई थी। मैंने फर्स्ट इनडायरेक्ट शॉट खेली और सेकंड को और थर्ड को मैं डायरेक्ट खेलकर ये वाला मैच भी इजीली विन कर लूँगा। गाइज, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आ रही है और यहाँ तक अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपको वीडियो पसंद ही आ रही होगी। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और इसी तरीके की और वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो यहाँ पर मैंने 50,000 वाला 2v2 का टेबल लगाया था बट यहाँ पर हमारा जो मैच है वो छोटे टेबल पर कनेक्ट हो गया। तो यहाँ पर गाइज जो ट्रन है वो हमारे ओपोनेंट को मिली थी बट यार ये बंदे ने क्या शॉट खेली। इतना सिंपल सा ब्रेक था, इजीली ब्रेक टू फिनिश मार सकता था बट यार मैंने एक चीज़ नोट की है, 2v2 टेबल पर ये छोटे 7,500 वाले और 50,000 वाले टेबल पर जो हमारी टीम में बंदे मिलते हैं ना, बहुत ही मतलब यार सी किस्म के बंदे होते हैं। अब मैं क्या बोलूँ यार, मतलब इजी सी शॉट्स को मिस कर देते हैं। अब यहाँ पर फाइनली टर्न हमें मिली है और हमारा ओपोनेंट भी पता नहीं कहाँ गया हुआ था, उसने कोई शॉट ही नहीं खेली, टाइम अपना पूरा वेस्ट कर दिया। और उसके बाद गाइज यहाँ पर टॉप लेफ्ट के अंदर मैं पूरा ब्रेक टू फिनिश मारने की कोशिश करूँगा। मेरे ख्याल से इसको भी ब्रेक टू फिनिश ही कहेंगे क्योंकि एक भी जो डिस्क थी वो पोर्टेड नहीं थी और ब्रेक से हमने ब्रेक नहीं हो सकता यार। आप लोग बाकी कमेंट्स में बताना यार, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा इसको ब्रेक टू फिनिश बोलेंगे या नहीं। बट यहाँ पर से गाइज हमारी तीन डिस्क रह गई और उसके बाद गाइज मैं टॉप राइट के अंदर खेलूँगा और अपने बीच वाली दोनों डिस्क को जो है ना कुछ इस तरीके से, हाँ मैं राइट में अभी भी कनेक्शन शॉट खेल सकता हूँ, बहुत ही इजी शॉट होगी। लेकिन मुझे सही पावर का यूज़ करना होगा ताकि मेरी ऊपर वाली जो डिस्क है वो कहीं फंस ना जाए। और यहाँ पर से गाइज उसके बाद टॉप लेफ्ट के अंदर मैं लास्ट शॉट को भी खेल दूंगा और यहाँ पर हमारा ये वाला मैच भी हम लोग इजीली विन कर सकते हैं। और हमारी सिर्फ एक डिस्क रह गई जिसको मैं बॉटम राइट के अंदर इजीली ख़त्म कर सकता हूँ। तो यहाँ पर से गाइज हम लोग एक और मैच विन कर चुके हैं और इसी के साथ हमारा लेवल भी 7 हो चुका है। तो गाइज इसी के साथ हमारे पास 70,000 कॉइन्स भी पूरे हो चुके हैं।
और मेरे पास यहाँ पर कुछ जेम्स आ चुके थे, तो मैंने सोचा क्यों ना जैकपॉट वाले इवेंट के अंदर स्पिन किया जाए। और मैं आपको एक बार फिर से बताना चाहता हूँ, अगर आपने एक न्यू आईडी बनाई है और आपके पास थोड़े से जेम्स हैं, तो आप उनको जैकपॉट वाले या किसी भी स्पिन वाले इवेंट के अंदर स्पिन कर सकते हैं। मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट करूँगा इसके बारे में, मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा। इसके मुकाबले में अगर आप मास्टर चेस्ट वगैरह प्रीमियम चेस्ट ओपन करेंगे तो आपको कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन स्पिन वाले इवेंट के अंदर आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो यहाँ पर मैंने दुबई स्कैबर का एक और मैच लगा दिया है और इसके साथ हमारे सिर्फ 3 डिस्क रह गई हैं, तो इसको मैं टॉप लेफ्ट के अंदर खेल लूँगा और बाकी हमारी 2 डिस्क रह जाएंगी। तो यहाँ पर से गाइज जो ऊपर वाली डिस्क है ना, वो थोड़ी सी मुझे लग रहा है फंसी हुई है। पहले इस वाली डिस्क को खेलते हैं, बट मुझे लग रहा है ये कोलैब हो सकती है, तो इसलिए स्ट्राइकर को थोड़ा सा इधर करके दोबारा से शॉट को खेलते हैं और फॉल होने वाला था स्ट्राइकर, बट बच गए। और लास्ट जो शॉट है इसको मैं खेलूँगा टॉप लेफ्ट के अंदर। हाँ यार, बहुत इजी सी शॉट थी, मैं खामखा में टेंशन ले रहा था इस शॉट के लिए, इस डिस्क के लिए। तो गाइज यहाँ पर से हमने एक और दुबई स्कैबर का मैच विन कर लिया और कैरम पास के अंदर जो हमारे पास रिवॉर्ड्स आ रहे हैं उनको भी कलेक्ट करते जाएंगे साथ में। और उसके बाद गाइज यहाँ पर से मैं खेलने वाला हूँ एक और 2v2 का टेबल, और उसके बाद हम लोग डायरेक्ट 100k वाला टेबल खेलेंगे। तो एक बार जो है ना ये 50,000 वाला 2v2 का टेबल हम लोग प्ले कर लेते हैं। तो इस बार भी मैंने 50k वाला जो टेबल है 2v2 का उसके अंदर मैच लगाया था, बट हमारा जो मैच है ना वो लगा 7,500 वाले टेबल के अंदर, और ट्रन जो है मेरे ओपोनेंट को मिली और अनफॉर्चुनेटली ये मैच हम लोग हार चुके हैं। तो यहाँ पर से चले, कोई बात नहीं यार, ऐसा ज़रूरी तो नहीं कि आप हर मैच जीतें। अगर आप प्रो प्लेयर हैं या आपके पास कोई प्रो आईडी है तो आप कभी कभी मैच हार भी जाएंगे, कोई मसला नहीं होता इससे। और अभी यार चलिए, बस डायरेक्ट बहुत हो गया यार, लास्ट मैच जो है वो 100k वाला खेलते हैं और इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मैच हारेंगे या जीतेंगे भाई मैं सारा इस वीडियो के अंदर शामिल करता जाऊंगा, आपने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना। तो जो मैच है वो 110 लेवल वाले प्लेयर के साथ लगा है और ब्रेक भी बहुत ही बढ़िया किया है बंदे ने, स्टार स्ट्राइकर को मैक्स किया हुआ है आई थिंक इसलिए, और फ्लेयर पावर भी है बंदे के पास। बहुत ही गाइज अच्छी शॉट्स मतलब खेल रहा है ये, और मुझे लग रहा है कि यार ये हमें रन नहीं देगा, बट देखते हैं क्या होता है। अभी इसकी सिर्फ 4 डिस्क रह गई हैं और ये जो पक्स हैं ये भी उसने आई थिंक इवेंट से लिए थे, वीकेंड मूवी वीकेंड वाले से, शो टाइम वीकेंड वाला इवेंट जो था, बट यहाँ पर ट्रन हमें मिल गई और यहाँ पर मैं कोशिश करूँगा कि इसको पूरा फिनिश कर दूँ। और हमारे ओपोनेंट को आप देखिए, अब उसने शॉट मिस कर दी तो वो मेरी शॉट मिस करवाने के चक्कर में है। लेकिन भाई यार ये इस तरीके की हरकतें करने वाला, मुझे सच बताऊँ तो सी किस्म के बंदे लगते हैं ये। मतलब यार तुमने अपनी शॉट खेल दी, अब सामने वाले को छोड़ो वो अपना गेम खेले, यार अपनी गेम तुमने शॉट मिस कर दी, मतलब क्या बंदे हैं यार ये लोग। और उसके बाद गाइज यहाँ पर टॉप लेफ्ट के अंदर इसको मैं खेलूँगा और उसके बाद मैं एक बार अगेन से टॉप लेफ्ट में खेलूँगा। और यार अगर आपको लग रहा है कि मेरे लिए 100k वाला टेबल खेलना ईजी था तो भाई आप गलत हैं। एक तो बिल्कुल छोटी सी न्यू आईडी है और उसके बाद इसके अंदर ज़्यादा कॉइन्स भी नहीं है। अगर आपकी आईडी के अंदर सारे कॉइन्स आप आई थिंक ऐसे ही समझ लें कि सारे कॉइन्स आप लगा रहे हैं, दोबारा मैं 100k वाला टेबल भी नहीं खेल पाऊंगा, इतने कॉइन्स इस आईडी के अंदर। और इसके अलावा गाइज ये मैं फेयर प्ले कर रहा हूँ, सबसे बड़ी बात ये है, तो मैच विन करना बहुत ही मुश्किल होता है। और इससे भी बड़ी बात यह है कि अगर ऑटो प्लेयर आपको मिल जाए तो पूरा मूड ख़राब हो जाता है। बाकी यार अगर आप लोगों को हमारी ये वाली वीडियो पसंद आई तो भाई वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना। बाकी आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।